नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर 6 यूपी ट्रिपल एससी पीटी फार्मासिस्ट एनम लैब टेक्नीशियन अन्य भर्तियों में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वही मैं आप लोग के लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं। इसके बाद दोस्तों मैं वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। इस प्रैक्टिस सेट, अभी 2 प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर नंबर 6 और 7। 7 तक कराने के बाद जो है मैं आप लोग को वन लाइनर क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो यह सब स्टडी मटेरियल पाने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और एक लाइक करिएगा। बाल विकास पुष्टाहार की भी जो है तैयारी मैं कराने जा रहा हूँ, उसके लिए भी अभ्यर्थी जुड़ जाएँ। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? अकबर रॉयल फील्ड, ये तो सही है। दारा सिकोह मनुची, यह भी सही है। जहांगीर सर टांसरो, ये भी सही है। शाहजहाँ, ये ही गलत है दोस्तों, ऑप्शन डी यही गलत है, शाहजहाँ जोर्डान, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली समाज के संस्थापक का नाम बताइए। तो कौन से रहे दोस्तों, सबको पता होगा, अल्फांसो द अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम नहीं है? रामानुजन शंकराचार्य चैतन्य, ये तो सही है। रामानुजन चैतन्य शंकराचार्य, ये भी सही है। शंकराचार्य चैतन्य रामानुजन, सही। लेकिन दोस्तों शंकराचार्य रामानुजन और चैतन्य, यही नहीं सही है, ऑप्शन ए यही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन हैं? तो किसके समकालीन है दोस्तों, कनिष्क के समकालीन है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो महापद्मनंद जो है यही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, निम्नलिखित में से किस कानून से पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन हुआ था? दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो किससे हुआ था दोस्तों, चार्टर एक्ट 1853 में। फटाफट 100 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन IAIN अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शहनवाज खान और कैप्टन GS ढिल्लो के मुकदमे में अनेक बचाव पक्ष में आए थे? तो दोस्तों कौन रहे हैं, यह हो जाएंगे दोस्तों आपका भूला भाई देसाई। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं, गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया था? तो दोस्तों कब किया था, 1934। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंध है दोस्तों, भगत सिंह से है। कथन ए कथन बी का मिलान करिए दोस्तों। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था, कारण दिया है यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि कथन और कारक कौन सही हैं कौन गलत हैं, तो आपका दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, पार्कलैंड वनस्पति विशेषता है। यह दोस्तों कहाँ का है, सवाना की। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है, तो यह मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है। इसमें पूछ रहा है कि बालको जो है कहाँ पर, कोरबा में है। बालको जो है क्वेश्चन नंबर 13 में, बालको जो है आपका कोरबा में है दोस्तों, बालको जो है आपका कोरबा में है, और हिंडालको जो है आपका रेणुकूट में है, और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड में है दोस्तों, और बचा कौन सा एक, नालको जो है कोरापुट में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पूछ रहा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों, देखिए मणिकरण हिमाचल प्रदेश सही है, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर यही गलत है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनहोनी मध्य प्रदेश, ये भी सही। तापी तप्त पानी उड़ीसा, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? तो वह कौन है दोस्तों, स्पेन नहीं है। बौद्ध की अधिकतम संख्या पाई जाती है, बौद्धों की अधिकतम संख्या जो होती है महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, 17 वाला पूछ रहा है दोस्तों, 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ग्रामीण स्वच्छता यही नहीं है। बी आई
एफ और संबंधित है क्वेश्चन नंबर 18, तो यह जो है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गोण। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, आर्थिक नियोजन विषय है, तो आर्थिक नियोजन विषय दोस्तों समवर्ती सूची में है, आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची में है। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है, तो वह होता है आरबीआई होता है। नगर पंचायत की वार्ड समिति के लिए विषय में सही क्या है, तो दोस्तों सही जो होगा आपका नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाए, सही है। इनमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये भी सही है। वार्ड में रहने वाले दो व्यक्ति समिति से मनोनीत किए जाते हैं, यह भी सही, तो ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं, एक उच्च न्यायालय में का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो दोस्तों किसको करता है, राष्ट्रपति को करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या होती है, क्या होती है दोस्तों, कुल सदस्य का 1/10 से। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, कौन सा है दोस्तों, हमारी मिलीजुली संस्कृति, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों, पंचायती राज से है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है, तो वह कौन सा होता है दोस्तों, लाइकेन जो होता है, हम लोग अक्सर पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे कहते हैं, लार निम्नलिखित में से किससे के पाचन में सहयोग करती है, यह करती है स्टार्च के पाचन में, लार से जो निकलता है तो उसको टाइलिन हम कहते हैं। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस आधार पर किया जाता है, 28वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों यूरेनियम विधि से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, बेकेलाइट का। आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक आपका दोस्तों मैथ रोस पोर्शन है। 36 से चलते हैं, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, दोस्तों मैथ और रीजनिंग की क्लास आपकी जो है अलग से चलेगी, उसके लिए आप छोड़ दे रहे हैं, मैथ रीजनिंग और प्लस उसके साथ में आपका रहेगा ये आपका ग्राफ रहेगा, तालिका रहेगी, ये सब जो है आपका एक इसका अलग से क्लास चलाएंगे हम। जो आपका 50 लगभग 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रिटर्न से हैं, तो उसको पहले देख लिया जाए 60 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 36 पे चलते हैं, पृथ्वीराज रासो कवि की रचना है चंद्र बरदाई की। क्वेश्चन नंबर 37 कहते हैं, लोहा मानना बुरा का मुहावरे का अर्थ है, कहते नहीं लोहा मानना, लोहा मान गए, तो क्वेश्चन नंबर 37 है, तो क्या कहते हैं दोस्तों, श्रेष्ठता स्वीकार करना, क्वेश्चन नंबर 37 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प धर्मात्मा का है, धर्म धन आत्मा यही होगा। 39 चलते हैं, आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य में त्रुटि क्या है, उस त्रुटि को देखना है, आप निसंकोच चले जाओ, आप निसंकोच चले जाइए, यह होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 पर थोड़ा धुंधला दिख रहा है दोस्तों, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, वाक्य के रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए, तो क्या होगा दोस्तों, आंख के सामने जो है प्रत्यक्ष होता है। आपका इंग्लिश पैसेज है, इंग्लिश पैसेज से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, इसी में से पढ़ना है, इसी में से जो है आपको उत्तर भी देना है। यह देखिए दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके इसमें से रहेंगे, फिर उसके बाद आपका नीचे रीजनिंग आ जाएगा, रीजनिंग आपको जो है देखना है, 5 क्वेश्चन रीजनिंग रहेंगे। 51वें क्वेश्चन से चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो कहाँ पर है दोस्तों, आगरा में है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 11 जुलाई को, बस एक दिन दो दिन और बचा है दोस्तों, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं, भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी है, तो संगीत अकादमी है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है, साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों,
तो कौन सा नहीं है? मोटर वाहन जो होता है यह मीथेन का नहीं करता, बाकी पशुधन गन्ने और धान की खेती ये सब करते हैं। क्वेश्चन 55 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? 55वां क्वेश्चन, तो जिम योंग किम जो है दोस्तों यही है। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो कौन खाता है दोस्तों? ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन और हेरोल्ड जेफरी। क्वेश्चन 57 कहते हैं भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो कौन करता है दोस्तों? राज्य विधान सभा का अध्यक्ष करता है। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा बनाया था? तो दोस्तों किसने बनवाया था? यह आसफ उद्दौला। आप इमाम बाड़ा जाएंगे घूमने तो वहाँ पर जो है पत्थर पर लिखा गया है किसने बनवाया था, तो आसफ उद्दौला इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा दोस्तों। भारत के किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं? दोस्तों आपका तिथि से भी क्वेश्चन आता है, तो 7 नवंबर को। रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट हाल ही में, तो दोस्तों ये सब आपका क्वेश्चन करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप 5 क्वेश्चन जरूर जो है करिएगा। 5 से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिलेंगे। यह देखिए दोस्तों करंट अफेयर से हैं, फिर उसके बाद 71 से 75 आपको इसी पैसेज से उत्तर देना है। बहुत सिंपल है दोस्तों, पैसेज को पढ़िए और 5 क्वेश्चन का जो है फ्री में उत्तर दीजिए, फ्री में नंबर पाइए। फिर उसके बाद दूसरा आपको एक मिल जाएगा पैसेज, यह पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद फिर 5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको 35 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जो आपको उसी में से ही उत्तर मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं इधर, जब इधर आते हैं तो दोस्तों यह भी जो है आपका ग्राफ से क्वेश्चन रहेगा, चार्ट से, तो चार्ट, इस चार्ट में आप समझेंगे फार्मूला बेस पे है, तो 5 क्वेश्चन ये 5 क्वेश्चन और अभी आपको मिलेंगे, यानी 10 क्वेश्चन आप जो है बहुत आराम से ये ग्राफ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद तालिका है दोस्तों, ये इस तालिका से आप 10 क्वेश्चन करेंगे। देखिए दोस्तों तालिका दिया है, तालिका से जो है आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, और 10 क्वेश्चन आपको जो दोस्तों तालिका से मिलेंगे। अब देखिए इसमें भी दिया है 96 से 100 जो है आपको इसमें से उत्पादों की गाड़ियाँ, तालिका दिया गया, तालिका में से इसी में दोस्तों आपका प्रश्न है, इसी में उत्तर है। तो आप आशा करते हैं कि आप रीजनिंग, मैथ यह सब पे ज़्यादा जोर दीजिए, फिर उसके बाद इसको भी आप करते रहिए। आज के वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।